रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कहते हैं एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को पा लेता है। इसलिए रोज उठते ही अपने अंदर की सकारात्मकता को भी जगाएं और दिन भर जहां जाएं उसे भी साथ लेकर जाएं। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण उर्वशी के साथ। सुप्रभात। जपले सीतारा, जपले सीतारा। सूरज की पहली किरणों संग जपले सीतारा, जपले सीतारा। सुबह जपे हम
6:17 आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था बेटे को बुलाकर उसे चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं, जब भी यह थैला खाली होने लगे तो इससे बोलना और फिर सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो चल बसा। बेटा इतने सिक्के पाकर आनंदित हो गया और खर्च करते करते जब कई साल बीत गए तो वो इसी बीच में प्रार्थना भूल गया जो उसके पिता ने बताई थी। जब पैसे खत्म होने को आए तो उसे वो प्रार्थना वाली बात भी याद आई, पर खूब याद करने पर भी प्रार्थना याद नहीं आई। अब वो लोगों से पूछने लगा कि भाई कोई चार शब्दों वाली प्रार्थना जानते हो क्या? तो पड़ोसी ने कहा, हाँ हाँ, ईश्वर मेरी मदद करो। दोस्त ने कहा, ईश्वर आप महान हो। उसने कई लोगों से पूछा पर उसे अपने पिता की बताई हुई प्रार्थना नहीं मिल पाई। आगे क्या हुआ जानेंगे इस भजन के बाद। सत्यम शिवम सुंदरम कण कण सुंदरम कण कण में है भगवान। आप
नूलोक में लक्ष्मी नारायण बैठे स्वर्ग सजाए। गिर कैलाश पे शिव गौरी संग निज संसार बसाए। विष्णु पाले शिव संहार का भार संभाले, शिव संहार का भार संभाले। जिन्हें प्रभु की नहीं पहचान ढूंढे वही मूर्ख प्रमाण, जिन्हें प्रभु की नहीं पहचान ढूंढे वही मूर्ख प्रमाण। दैवम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम कण कण में है भगवान भगवान। सत्यम शिवम सुंदरम कण कण में है भगवान। मरे सनी धनी सरे निप मरे सनी सरे मप जब हम बरसे बरखा बरसे सबके प्यास बुझाए। रवि शशि तारे देव जियारे सब में ज्योत जगाए। धरती को हरि चूनर ओढ़ाए रंग बिरंगे फूल खिलाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। सबको बांटे मुस्कान दिन रात करे बस दान। सबको बांटे मुस्कान दिन रात करे बस दान। दैवम सत्यम शिवम शिवम सुंदरम कण कण में है भगवान। 6:23 और 42 सेकेंड आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपको सुना रहे थे कहानी, और चलिए अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जब बहुत याद करने पर भी पूछने पर भी बेटे को पिता की बधाई प्रार्थना याद नहीं आई और ना ही दूसरों से मिल पाई तो वो बहुत उदास हो गया। तभी एक व्यक्ति दरवाजे पर आया और बोला, सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ हो तो दे दो बेटा। लड़के ने बचा हुआ खाना उसे दे दिया। उस भले इंसान ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और लड़का इतना खुश हुआ क्योंकि यही वो प्रार्थना थी जिसे वो ढूंढ रहा था। कहते हैं कि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो बढ़ता जाता है, चाहे वो पैसा हो या प्रेम। इसीलिए पिता ने बेटे को हर चीज के लिए आशीर्वाद की तरह से धन्यवाद कहने को, इस प्रार्थना को बताया था कि हर चीज के लिए तुम ईश्वर से धन्यवाद करना और फिर चीजें वैसे ही बढ़ती जाएंगी। पर कभी कभार हम जब चीजों को भोगते रहते हैं, पैसा, अपनी उम्र, तो हम कहीं ना कहीं वो धन्यवाद शब्द भूल जाते हैं, जबकि यही एक बहुत ऊंची श्रेणी में कहे जाए तो प्रार्थना होती है जिसको साथ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। तो चलिए अगला भजन सुन लेते हैं आकाशवाणी गोल्ड पर।
आप हैं अर्पण में उर्वशी के साथ। Thank you.
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। बजकर 31 मिनट और 28 सेकेंड आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण उर्वशी के साथ। दोस्तों आइए उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें मनुष्य जीवन दिया और उसमें दी दो बातें, पहली सांस का चलना और दूसरी सत्य की प्यास। यही वो प्यास है जो हमें खोजी से भक्त बनाती है और भक्ति और प्रार्थना से हम आनंद और फिर परम आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इस परम आनंद को अनुभव करें और इन भजनों में, इस सुंदर प्रभात बेला में साथ रहें प्रभु के साथ, अपने साथ। पति श्री राम राधिका प्रिय श्याम को नमन करो, जय जय सीता राम कहो, जय जय राधे श्याम कहो, जय जय सीता राम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। सीता पति श्री राम राधिका प्रिय श्याम को नमन करो, जय जय सीता राम कहो, जय जय राधे श्याम कहो, जय जय सीता राम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। संग सिया बिराजे श्री कृष्ण के संग राधा, दोनों का ही नाम लगे एक दूजे बिन आधा आधा। श्री राम संग सिया बिराजे श्री कृष्ण के संग राधा, दोनों का ही नाम लगे एक दूजे बिन आधा आधा। अंतर्यामी है दोनों ही चाहे जिसका ध्यान करो, जय जय सीता राम कहो, जय जय राधे श्याम कहो, जय जय सीता राम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। मर्यादा पति श्री राम तो लीलाधारी कृष्ण हुए, एक अयोध्या पति कहलाए दूजे द्वारकाधीश हुए।
पति कहलाए, दूजे द्वारकाधीश हुए। सच्चे मन से भक्ति भाव से प्रभु चरणों के भजन करो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। धनुष बाण पहचान राम की, मुरली कृष्ण कन्हाई की। लाज रखी है दोनों ने ही, इस जग में अच्छाई की। धनुष बाण पहचान राम की, मुरली कृष्ण कन्हाई की। लाज रखी है दोनों ने ही, इस जग में अच्छाई की। प्रभु भजनों के अमृत रस से सरल हृदय का कलश भरो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। पति श्री राम राधिका प्रिय श्याम को नमन करो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय 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 राधे श्याम। कहते हैं प्रेम में कोई वियोग नहीं, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। वो खोजें जिससे आप प्रेम करते हैं और खुद को उसी में समर्पित कर दें और बहने दें इस प्रेम की गंगा में। It
आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए आप सुनते हैं रामचरितमानस। पुत्र वियोग की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कवि शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात आय सुदेय हर्षिहिय
कहीं पुल के प्रभु गात। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। आय सुपाली जन्म फलु पाई, आई हूँ बेगी ही हो रजाई। विदा मातु सन आवउ मागी, चली हूँ बन ही बहुरी पगलागी। सुखाही लोचन स्रवही, सोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। नयन काड़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुबंश बेनु बन आगी। कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुप गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। सुनावा का
दिखाई चाहता दिखावा। एक कहीं भल भूपन कीना बरु बिचारी नहीं कुमती ही दीना। जो हटि भया वो सकल दुख भाजनु अब लादे रस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने नृप ही दोष नहीं दे ही सयाने। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कही एक उदास भाय सुनी रही। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस और अब वक्त है समाचारों का। आइए सुनते हैं समाचार।